दोस्तों गुड मॉर्निंग। लुधियाना से मानक क्लिनिक से मैं हूं डॉक्टर राजीव गुप्ता, आपका दोस्त एम्पेथाइजर, आपका वेल विशर। आज मैं आपके साथ एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। वो है कि जो पंजाब के नौजवान युवक हैं, जो पंजाब की नौजवान लड़कियां हैं, जो हायर स्टडीज करना चाहती हैं, पढ़ाई करना चाहती हैं, जॉब करना चाहती हैं, वो बच्चे आज पंजाब से बाहर जा रहे हैं। हर दिन मेरी क्लिनिक के अंदर फैमिलीज आती हैं, पेरेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, जो बताते हैं कि वो कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं। अगर आप लास्ट ईयर की फिगर्स देखें कि केवल 2018 में 1,20,000 जो स्टूडेंट्स हैं, नौजवान हैं, वो बाहर पढ़ने को गए हैं। आज आप किसी कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करेंगे, किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से बात करेंगे, आज आप देखें कि पंजाब के अंदर जगह जगह पे कॉलेजेस खुले हैं, चाहे मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, टेक्निकल कॉलेजेस हैं जहाँ पे इंजीनियरिंग की डिग्रीज मिलती हैं, या जनरल डिग्रीज मिलती हैं, या बीएड कॉलेजेस हैं। जो स्टूडेंट्स का नंबर है हर कॉलेज के अंदर रेगुलरली बड़ी तेजी के साथ गिर रहा है। और ये आम बात हो गई है कि आप किसी से पूछें कि 3-4 साल पहले आपके कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे थे, आप कितने बच्चे हैं, उनका जो नंबर है फास्ट गिर रहा है। दिक्कत आ रही है उन कॉलेजेस के अंदर, उन यूनिवर्सिटीज के अंदर, उन इंस्टीट्यूशंस में अब इतने टीचरों की जरूरत नहीं है। तो जो आने वाला समय है, जो आने वाला टाइम है, वो इन कॉलेजेस के लिए, टीचिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए डिफिकल्ट नज़र आ रहा है। और जो लोग यहाँ पे जॉब करते हैं, टीचिंग जॉब करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करते हैं, उनके लिए डिफिकल्ट नज़र आता है। और मेरा अपना अंदाज़ा है कि जो आदमी या बच्चा कनाडा जाता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाता है, कम से कम 30-35-40 लाख का वो खर्चा करता है। और अगर 1,20,000 बच्चा 2018 में गया है, आप सोचिए कि कितने अरबों रुपए जो हैं वो पंजाब से बाहर चले गए। और अक्सर देखने में आता है कि जब एक बच्चा जाता है और जिस परिवार में 2 या 3 बच्चे हैं, कुछ सालों के बाद वो भी पंजाब के बाहर पढ़ने चले जाते हैं। और जब बच्चे बाहर पढ़ने चले जाते हैं, पेरेंट्स यंग होते हैं, एक्टिव होते हैं, प्रोडक्टिव एज ग्रुप में होते हैं, और जो पेरेंट्स हैं वो भी कुछ सालों के बाद कनाडा शिफ्ट कर जाते हैं। और जब पेरेंट्स कनाडा शिफ्ट करते हैं, अपना घर बेचते हैं, बिजनेस बेचते हैं, कारें बेचते हैं, स्कूटर बाइक्स बेचते हैं, और वो जो पैसा इकट्ठा होता है वो भी साथ ले जाते हैं। सो आज शायद पंजाब का कोई ऐसा गाँव होगा या कस्बा नहीं होगा जहाँ से पंजाब की मनी जो है पंजाब से बाहर विदेशों में जा रही है। खाली पैसा नहीं जा रहा, नौजवान जा रहे हैं, वो नौजवान जो जीवन के अंदर कुछ करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, अपने मुल्क की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, हायर स्टडीज की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, और यहाँ पे पढ़ भी लेते हैं, उनको जॉब नहीं मिलते। आज कोई MBA ग्रेजुएट है या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, उसको 8-10-12-13 हज़ार रुपये की नौकरी मिलती है। सो उस नौकरी से आप समझते हैं कि उस जॉब से, उस वेतन से, उस सैलरी से बच्चा कितना फ्रस्ट्रेट होता है। और जो ये यहाँ पे MBA कर लेते हैं, MCA कर लेते हैं, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, जब जॉब प्रॉपर नहीं मिलती, बच्चों के अंदर टेंशन, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन डेवलप हो जाती है। आज गाँव में हर बंदे को पता है, हर अनपढ़ बंदे को पता है कि IELTS स्कोर होता है, और IELTS पास करने के बाद बच्चों को बाहर भेजा जाता है। और आप किसी भी रूरल एरिया में जाएंगे या अर्बन एरिया में जाएंगे, आप देखेंगे कि सैकड़ों की तादाद में IELTS की ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं। और IELTS में बैंड लेना, अच्छे बैंड लेना और बाहर जाना बच्चों का, नौजवानों का बहुत बड़ा एम बन गया है। सो दोस्तों, आने वाले टाइम में जो नज़र आता है कि पंजाब से जो पैसा है वो बाहर चला जाएगा, वो जाना तेजी से जाता रहेगा, और यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुअर हो जाएगा। पंजाब से जो यूथ है वो बाहर चली जाएगी, और हमें अपने
पंजाब के अंदर, जब जिस अलग अलग गांवों में, व्यवसायों में, फैक्ट्रियों में या नौकरियों में जब यूथ की जरूरत होगी, हमें पढ़ा लिखा यूथ, इंटेलिजेंट यूथ नहीं मिलेगा। आज सामाजिक नेताओं को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को और समाजजीवियों को बैठ के, बुद्धिजीवियों को ये सोचने की ज़रूरत है कि जो पंजाब हिंदुस्तान का एक खुशहाल एरिया था, क्या उसको टेररिज्म ने ख़त्म कर दिया, क्या उसको ड्रग्स ने ख़त्म कर दिया, या हम आने वाले वक्त की सोच नहीं डेवलप कर पाए, आप पंजाब के अंदर ऐसी इंडस्ट्री लेके आए जिसको हम आईटी कैपिटल नहीं बना पाए, हम एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी पंजाब के अंदर नहीं ले आए जो नौजवानों को जॉब देती, उनको नौकरियां देती, उनकी जो इच्छाएं थी, उनकी जो एस्पिरेशंस थी उनको पूरा करती। थैंक यू फ्रेंड्स।